सोनबाद स्थित एक बंद घर से चोरों ने ताला तोड़कर लाखों की संपत्ति पर हाथ साफ कर दिया। शनिवार को 12 बजे गृहस्वामी रोहित कुमार पाठक ने इसकी जानकारी दी। इन्होंने बताया कि यह सोनबाद में अपनी पत्नी के साथ रहते हैं। छठ पूजा को लेकर यह बीते 7 नवंबर को अपने ससुराल हजारीबाग गए हुए थे। शनिवार की सुबह जब ये लोग वापस लौट रहे थे, तब घर के अगल बगल के लोगों ने इनको फोन कर बताया कि इनके घर का दरवाजा खुला हुआ है। जब इन्होंने लोगों से घर के अंदर जाकर देखने को कहा तो उन लोगों ने बताया कि घर में चोरी हुई है, जिसके बाद यह आनन फानन में 8:30 बजे घर पहुंचे तो देखा कि घर का ताला टूटा हुआ था, जिसके बाद घर के अंदर गए तो देखा कि घर के अंदर स्थित अलमीरा का लॉकर भी टूटा हुआ है और उसमें रखा नकदी करीब 1,50,000 गायब है। साथ ही उसी अलमीरा में रखा करीब 10 लाख का गहना भी गायब है। गहनों में लगभग 1 किलोग्राम चांदी से बना हुआ सामान गायब था। इसके साथ सोने का 10 पीस अंगूठी, 8 जोड़ी सोने का कान का झुमका, सोना का गला का पूरा सेट, सोने का मांग टीका, सोने का नथ समेत आदि सामान गायब है। जिसके बाद इन्होंने घटना की जानकारी बेंगाबाद थाना की पुलिस को दी। घटना की जानकारी मिलने के बाद बेंगाबाद थाना की पुलिस भी वहां पहुंची और छानबीन की। इधर बेंगाबाद थाना प्रभारी जितेंद्र कुमार सिंह ने बताया कि आवेदन प्राप्त हो चुका है, मामले की जांच पड़ताल की जा रही है, प्राथमिकी दर्ज कर दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। मैं रोहित कुमार पाठक, इसी गिरिडीह का निवासी और बीएनसीआरडीए में यहाँ पे कार्यरत हूँ एज अ टीचर। छठ पूजा के अवसर पर मैं अपने ससुराल हजारीबाग गया था छुट्टी में, और मैं शाम 12:30 के दिन गया और जब वापस आया आज दिनांक 9/11/2024 को, तो मैं देखता हूँ कि मेरे घर के दरवाजे का जो ताला था वो टूटा हुआ था। अगल बगल वाले लोगों ने भी मुझे सूचित किया कि आपके घर में चोरी हुई, तो मैं घर के अंदर आया, देखा तो सारे सामान वैसे ही पड़े हुए थे, बस मेरे जो अलमीरा का जो लॉकर था वो टूटा हुआ था, अलमीरा खुला हुआ था, सारा सामान अस्त व्यस्त था और लॉकर के अंदर जो गहने थे लगभग 10 लाख के गहने वो चुरा कर वो लोग ले गए, और लगभग 1.5 लाख नकद था रखा हुआ वो भी वो लोग उठाकर ले गए, बाकी सारा सामान एज इट इज उसी तरह रखा हुआ है। और इसकी जानकारी यहाँ के वर्तमान जो मुखिया हैं उनको दी गई और थाना प्रभारी को भी इसको सूचित किया गया है, और अब देखता हूँ अब उनके बाद जो है FIR मैं करने जा रहा हूँ, उसके बाद की कार्रवाई पे देखता हूँ कि क्या होता है। हाई स्कूल के पीछे गिरहिड़ी